फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, एक अहम अपडेट लेकर फिर आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि फ़िलहाल काफ़ी फ़ोन कॉल्स जो है लोगों की तरफ से आ रहे थे कि कल को लेकर किस तरह की एडवाइज़री है और आने वाले जो कल की डेट होगी यानी 17 तारीख को जोजला पास में क्या मूवमेंट कराया जा सकता है, और जिस तरह आज रोड में से मौसम साफ़ होने के बाद स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो ज़ोरों पर था, उसके बाद अब किस तरह की सूरत हाल है। फ़िलहाल एक अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि काफ़ी पैसेंजर जो इस वक्त सोनमर्ग साइड में फंसे हैं या फिर इस साइड मेनमर्ग साइड में यानी द्रास साइड में भी फंसे हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ज़रिए कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से एक ट्रैफिक जो प्लान एडवाइज़री जारी की गई है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कल ज़्यादा जो है मल्टीपल लैंडस्लाइड और एवलांच की वजह से जोजला पास को फ़िलहाल बंद रखा जाएगा और कल 17 तारीख को भी किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं कराया जाएगा। तो ये यकीनन आप तक हम एक अहम अपडेट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कल जोजला पास के हवाले से ताज़ा अपडेट फ़िलहाल सामने आई है कि कल 17 तारीख को किसी भी तरह का मूवमेंट जो है जोजला पास में देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह हम अभी सोर्सेज के हिसाब से मालूम कर रहे थे कि काम को लेकर किस तरह के प्रोग्रेस हैं, तो फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट विजय की ओर से 0 पॉइंट तक काम मुकम्मल किया गया है, लेकिन अभी फिर एक बार ये ख़बरें सामने आ रही कि देर शाम जो है फिर कहीं जगहों पर एवलांच आए हैं। तो ताज़ा अपडेट फ़िलहाल जोजला पास के हवाले से, आज दिन को प्रोजेक्ट विजय की तरफ से यकीनन 0 पॉइंट जो मेन अहाता होता है वहां तक स्नो क्लियरेंस का काम मुकम्मल किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं बीआरओ की ओर से, तो बीआरओ की टीम की ओर से भी लगातार काम जो है देखने को मिला, लेकिन उस साइड जो है जो प्रोजेक्ट विजय जोजला साइट पे काम करती है यानी सोनमर्ग साइट से, वहाँ से कुछ बड़े एवलांच आए हैं जिसकी वजह से मेन मशीनरीज के लिए इस वक्त काम करने में थोड़ी मुश्किल यकीनन आ रही है। लेकिन देर शाम तक जो है प्रोजेक्ट बेकन की टीम की तरफ से भी शदोमत के साथ बर्फ़ हटाने का काम किया है, और ये एवलांच आप खुद देख सकते हैं कि कितने बड़े एवलांच इस वक्त जो है सोनमर्ग साइट पर भी देखने को मिले हैं जोजला पास में। और फ़िलहाल शाम तक जो है जहाँ तक हमने सोर्सेज के हिसाब से मालूम करने की कोशिश की थी, बजरी नाले के करीब जो है इस वक्त मेन मशीनरीज़ की तरफ से काम किया जा रहा है और मज़ीद काम कल के लिए बाकी है, जहाँ पे इंडिया गेट साइड पे और जो दियाल स्लाइड जिसे माना जाता है काफ़ी बड़ा स्लाइड होता है, तो उनकी तरफ से कल जो है वहाँ पे भी काम किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि आगे भी कहीं जो है स्नो एवलांच हैं जिनमें मज़ीद काम करना जो है बाकी है, तो कल किस तरह के हालात होंगे ये देखी जाएगी। और फ़िलहाल जो अगर प्रोजेक्ट विजय की तरफ से अगर जाने की इजाज़त दी जाती है, सोनमर्ग साइड में काम करने की इजाज़त मिलती है प्रोजेक्ट विजय की ओर से, तो यकीनन कल जो है थोड़ा जल्दी ही जोजला पास में से बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल होगा, वरना कल शाम तक जो है सोर्सेज के हिसाब से इत्तला मिले हैं कि कल शाम तक स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो फ़िलहाल तक के बड़े अपडेट्स, जोजला पास में भी बर्फ़ हटाने का काम जो है जारी है, तो मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान।